मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, निदेशक शिक्षा विद्यापीठ NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर संख्या पद्धति की कुछ एक नया आयामों पर हम चर्चा करेंगे। हमने प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में जाना है। पूर्णांक संख्याओं की कुछ संक्रियाएं, जैसा कि आप जानते हैं, संक्रियाएं चार प्रकार की होती हैं: योग, व्यवकलन, गुणा और भाजन। संक्रियाओं को हमने समझने का प्रयास किया था, वैसे ही पूर्णांक संख्याओं पर हम योग और व्यवकलन की संक्रियाओं को आज समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं उसका अपना समूह है, जिसमें धन पूर्णांक भी होते हैं, शून्य भी होता है और ऋण पूर्णांक भी होता है। प्राकृत संख्याओं को हमने जाना है। प्राकृत संख्याओं में हमने एक से आरंभ करके अनंत तक चले। पूर्ण संख्याओं में हमने जाना कि एक समूह में एक अंक और आ गया, शून्य, और पूर्ण हुए। इसके पश्चात हमने देखा कि पूर्णांक में हमारे साथ शून्य, दाई ओर धन एक, धन दो, धन तीन, धन चार से अनंत तक, वैसे ही बाई ओर ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन बाई ओर प्राप्त हुई। अब ये जो संक्रियाएं हैं योग की, जो प्राकृत के लिए लागू हो रही हैं, जो पूर्ण संख्याओं के लिए लागू हो रही हैं, जो पूर्णांक संख्याओं के लिए भी लागू होंगी। कैसे? या एक, धन एक पूर्णांक के समूह में है, लेकिन धन एक पूर्ण के समूह में भी है, धन एक प्राकृत के समूह में भी है। तो योग के जो नियम प्राकृत के लिए लागू हुए, पूर्ण के लिए लागू हुए, वो पूर्णांक के लिए भी लागू होंगे। देखिए, समझिए, धन दो, धन पूर्णांक है, धन दो में धन तीन का योग करें तो हमें धन पांच प्राप्त होता है। अब बालक से हम पूछें कि भाई ये पूर्णांक है, कौन सा पूर्णांक है? धन पूर्णांक है। ये कौन सा पूर्णांक है? धन पूर्णांक है। तो प्राप्त क्या हुआ? वो भी धन पूर्णांक हुआ। तो दो पूर्णांकों के योग से पुनः पूर्णांक प्राप्त हुआ। इस नियम को क्या कहेंगे? याद कराइए, बच्चे को स्मृति में लाने के प्रयास कराइए, पूछिए ये हम कहां लागू कर चुके हैं? प्राकृत में लागू कर चुके हैं, पूर्ण में लागू कर चुके हैं। वहां इसका नाम क्या था? संवृतता। तो संवृतता का गुण पूर्णांक संख्याओं के लिए भी लागू होता है। वैसे ही क्रम विनिमय का गुण, क्रम विनिमय का गुण, अब देखिए तकनीकी शब्दावली बालक को कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि ये तकनीकी शब्दावली से बालक रूबरू हो चुका है, क्योंकि प्राकृत में आप बता चुके हैं, पूर्ण संख्याओं में आप बता चुके हैं। अब अगर आप सीधे ही क्रम विनिमय शब्द को काम में लेंगे तो स्वतः उसके जहन में, उसकी स्मृति में ये आने लग जाएगा कि अदल बदल कर जोड़ना है, अदल बदल कर जोड़ना है। तो यहाँ अदल बदल कर किसके लिए जोड़ना है भाई? किसकी बात कर रहे हैं? पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। तो पूर्णांकों को अदल बदल कर जोड़ना है। चलो भाई, एक पूर्णांक लेते हैं, एक पूर्णांक दो लिया, एक दूसरा पूर्णांक हमने तीन लिया, इसको जोड़ा, पांच हम देख ही चुके हैं। अब इसको अदल बदल देते हैं। तो अदल बदल देते हैं भाई, तो देखो जो तीन पूर्णांक बाद में लिया था उसको पहले ले लीजिए, और दो पूर्णांक पहले लिया था उसको बाद में ले लीजिए, ये भी योग धन पांच ही प्राप्त हो रहा है। अर्थात क्रम विनिमय का गुण पूर्णांकों के लिए भी लागू होता है। अब साहचर्य का गुण, साहचर्य भी बोलते हैं, कुछ शास्त्रों में उसको सहचारी भी शब्द काम में लिया गया है। अब सहचारी कहते ही बालक को याद आएगा, प्राकृत के लिए मैं नियम काम में लिया था, पूर्ण के लिए नियम काम में लिया था, एक समूह के साथ तीसरा एक और जुड़े। हम योग की बात कर रहे हैं ना, इसलिए योग की ही बात करेंगे। तो एक योग वाले समूह के साथ एक तीसरा समूह और जुड़े। अब योग वाला समूह किसका? पूर्णांकों का। तो योग वाला समूह पूर्णांकों का, देखो भाई, दो और ये तीन। अब ये जो समूह है, ये दो और ये तीन, ये जो तीन है वो भी धन पूर्णांक है। इस धन पूर्णांक, देखिए ये एक समूह हो गया,
है ना, जैसे प्राकृत के लिए समूह था, जैसे पूर्ण के लिए समूह था, वैसे धन पूर्णांक का समूह हो गया। अब उसके साथ हमने क्या जोड़ा, एक और पूर्णांक जोड़ा। अब ये हमें योग पांच दे रहा है। हम चूंकि प्राकृत के लिए समझ चुके हैं, पूर्णांक के लिए बालक स्वतः बता देगा, ये नौ दे रहा है। ये हमें परिणाम के रूप में धन पूर्णांक नौ दे रहा है। यही प्रक्रिया अगर हम इस समूह को बदल कर आरंभ करें तो वही जो प्राकृत के लिए नियम स्थापित किया था, वही जो पूर्ण के लिए नियम स्थापित किया था, वही धन पूर्णांक के लिए भी और ऋण पूर्णांक के लिए भी लागू किया जा सकता है। इस समूह में से एक को यहां से हटाकर इसके साथ रखकर समूह बना लें तो परिणाम वही प्राप्त होंगे। ऐसा विचार बालक के भीतर मन में स्वतः आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्मृति में प्राकृत के दौरान वो इस प्रक्रिया से गुजर चुका है। वो प्रक्रिया पुनः स्मृति में आएगी, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, वह स्वतः हाथ खड़ा करके कक्षा में कह देगा, गुरुजी मैं इस दो और तीन में से तीन को चार के साथ ले लेता हूँ, नया समूह बन जाएगा, अब मैं योग करूँगा तो वह भी मुझे नौ ही प्राप्त होगा। इसलिए हम स्पष्टतः हमें कहने की आवश्यकता नहीं, बालक स्वयं इस निर्णय पर पहुँचेगा कि धन पूर्णांक के लिए भी सहचारी गुण या साहचर्य का गुण लागू होता है। अब यहां जो एक नया धन पूर्णांकों के लिए परिस्थिति बनती है, वहां प्राकृत के लिए योज तत्समक की बात कही गई थी। तत्समक शब्द हमने बहुत गहराई से समझाने का प्रयास किया था। तत्समक वह संख्या जो उसके साथ जोड़ने पर उसके संख्या का परिणाम वही दे। पांच के साथ शून्य जोड़े तो पांच ही मिल रहा है, छह के साथ शून्य जोड़े तो छह ही मिल रहा है। यह योज्य तत्समक था। धन पूर्णांक के लिए योज्य तत्समक तो लागू हो जाएगा कि धन पांच के साथ शून्य योग कीजिए, धन पांच ही मिलेगा। ऋण तीन के साथ शून्य का योग कीजिए, ऋण तीन ही मिलेगा। तो फिर नया क्या हुआ भाई? तो एक नया शब्द यहां जो आया है वो तत्समक के स्थान पर प्रतिलोम शब्द आया है। अब आओ समझें प्रतिलोम शब्द क्या है। योज्य प्रतिलोम प्रतिलोम विपरीत उल्टा, विपरीत उल्टा। किसका विपरीत? दो का प्लस, धन दो का विपरीत कौन? ऋण दो। ऋण तीन का विपरीत कौन? धन तीन। तो धन का विपरीत ऋण, ऋण का विपरीत धन। तो यहां प्रतिलोम विपरीत परिस्थिति के लिए काम में लिया गया है। तो धन दो का योज्य प्रतिलोम ऋण दो। क्यों ऋण दो? क्यों ऐसी संख्या जो उसके साथ योग करने पर क्या प्रदान कर दे? शून्य प्रदान कर दे। याद कीजिए प्राकृत में ये संतुलन की स्थिति को हमने जाना था। दोनों संतुलन की स्थिति में कब आते हैं? जब एक धन होता है एक ऋण होता है, दोनों को योग करो तो क्या देता है? शून्य। याद कीजिए हमने सामान्यकृत करते करते क्या किया था? दो तीन चार पांच उनके स्थान पर सब एक, सामान्यकरण के लिए क्या काम में लिया था? पी। याद आ रहा है ना, पूर्णांक के लिए हमने पी काम में लिया था। ये सामान्यकरण के लिए, ये बीजीय संख्याएं हैं, है ना। हम हिंदी में क भी काम में ले सकते हैं, अब सद भी काम में ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है हर बार पी काम में लें, लेकिन कई बार हम ऐसे शब्द काम में लेते हैं पी। तो धन पी एक पूर्णांक है। अब कौन सा पूर्णांक इसका विपरीत होगा जो उसको शून्य बना देगा? देखिए दो की परिस्थिति में बालक ने समझा है, वह स्वतः कह देगा ऋण पी की परिस्थिति में यह इसको शून्य बना देगा, संतुलन की स्थिति में ले आएगा।
तो धन पी का योज्य प्रतिलोम कौन हुआ? ऋण पी। और ऋण पी का योज्य प्रतिलोम कौन हुआ? धन पी। इस तरह से धन पी और ऋण पी एक दूसरे के प्रतिलोम, और इसको एक और शब्द के रूप में काम में लेते हैं, व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम या योज्य प्रतिलोम, ये दो नए शब्द, तकनीकी शब्द हमने बालक के सामने रखे। लेकिन रखने से पहले हमने साधारण धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक की संख्याओं के साथ समझाकर उसको प्रस्तुत किया, तब ये तकनीकी शब्दों को समझने की स्थिति में बालक आएगा। दोस्तों, अब हम जैसे ही इन संक्रियाओं, इन विशेषताओं को, प्राकृत की विशेषताओं के साथ पूर्णांकों पर आते हैं, तो अब हमें पूर्णांकों के योग की स्थिति को बालक को समझाने की परिस्थिति प्रस्तुत करनी होगी। अब आप देखिए, योग की परिस्थिति बालक के सामने अगर हम रखें, किसके लिए? प्राकृत के लिए तो समझ चुके हैं, पूर्ण के लिए समझ चुके हैं, तो किसके लिए? पूर्णांक के लिए। अपूर्णांक में धन पूर्णांक भी है, ऋण पूर्णांक भी है, तो धन पूर्णांक के साथ धन पूर्णांक जोड़ोगे तो क्या परिस्थिति बनेगी? धन पूर्णांक के साथ ऋण पूर्णांक जोड़ोगे तो क्या परिस्थिति बनेगी? आपको ये सारी परिस्थितियां कुछ व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से बालक को प्रस्तुत करनी चाहिए। तो देखो, हम समझते हैं कि अभी हमने पूर्णांकों का समूह यहां पर समझा था। पूर्णांकों के समूह में देखिए, धन पूर्णांक भी है, ऋण पूर्णांक भी है और शून्य भी है। अब इन पूर्णांकों में से कोई भी धन पूर्णांक, दो पूर्णांक ले लेते हैं पूर्णांकों के योग की परिस्थिति को समझने के लिए। तो पूर्णांकों का योग अगर हम समझते हैं, तो आप देखेंगे धन तीन, धन दो, ये पूर्णांकों का योग। ये प्राकृत संख्याओं के लिए बालक समझ चुका है, इसलिए यहां उसको समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तीन प्लस दो पांच होता है, तो वो धन तीन प्लस धन दो के लिए भी धन पांच की स्थिति में आता है। क्यों आता है? आपको श्याम पट पर लिखने की आवश्यकता नहीं, बालक स्वयं मस्तिष्क में अपनी उस पुरानी प्रक्रिया को चिंतन में ले आएगा। धन एक, धन एक, धन एक तीन बार, फिर धन दो के लिए भी धन एक दो बार, इसलिए धन एक, धन एक, धन एक कितनी बार हो गया? पांच बार। ये बालक सारा मस्तिष्क में कर लेगा, आपको श्याम पट पर लिखने की आवश्यकता नहीं, बालक को अभ्यास पुस्तिका में लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्राकृत में वो इतना अभ्यास कर चुका है कि अब स्वतः कह देगा कि ये धन पांच के बराबर हुआ। लेकिन अब नई परिस्थिति क्या आई? नई परिस्थिति आई, हमने दोनों धन पूर्णांक का योग कराया, लेकिन अब नई परिस्थिति आई कि एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक आ जाए। अब एक धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक आ जाए तो ये बालक के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि थोड़ी देर के लिए वो रुकेगा कि गुरुजी ये तो नया है, तो याद दिलाइए कि तुमने कैसे किया था भाई। तो उसको एक 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 करके जोड़े बनाए थे, ऐसे यहां भी जोड़े बना के देखो, देखो क्या होता है, करके देखते हैं। चलो भाई करके देखते हैं। तो भाई धन तीन, एक धन पूर्णांक ले लिया, धन पांच ले लीजिए कोई बात नहीं, और धन पांच एक धन पूर्णांक ले लीजिए, और उसके साथ ऋण तीन एक ऋण पूर्णांक ले लीजिए। क्या कर रहे हैं? धन पूर्णांक के साथ ऋण पूर्णांक का योग कर रहे हैं। क्या किया बालक ने प्राकृत में? क्या किया? इतना ही कहने की जरूरत है प्राकृत में तुमने क्या किया? स्वतः कह देगा हां गुरुजी एक 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 पांच बार लिखा। लिखो भाई एक एक का, एक धन एक, धन एक, धन एक, धन एक, एक दो तीन चार और धन एक पांच बार। अब वैसे ही ऋण पूर्णांक कितनी बार हैं?
ऋण तीन तो ऋण एक कितनी बार होगा? बालक स्वतः कहेगा तीन बार होगा। अब जैसे ही यह परिस्थिति सामने आई, बालक को याद दिलाइए, भाई विरोधी प्रकृति के कुछ दिख रहे हैं? बालक कहेगा हाँ गुरुजी, गुरु विरोधी प्रकृति के दिख रहे हैं, धन का एक भी है तो ऋण का एक भी है। अच्छा, धन का एक भी है ऋण का एक भी है, कौन कौन से हैं भाई? ये धन का एक और एक ऋण का एक, दोनों विरोधी प्रकृति के हो गए। तो विरोधी प्रकृति के क्या देते हैं हमें? शून्य देते हैं। तो ये धन का एक और ये धन का एक शून्य दे दिया। अच्छा भाई, अब देखो और कौन सी विरोधी प्रकृति के हुए? गुरु जी ये एक धन का एक और एक ये ऋण का एक, एक और विरोधी प्रकृति के हो गए। तो अब ये क्या देगा? तो ये भी शून्य देगा। अच्छा भाई, लो भाई ये भी शून्य लिखते हैं। और देखो और कोई दिख रहा है विरोधी प्रकृति का? हाँ एक और दिख रहा है गुरु जी। कहां दिख रहा है? तो एक ये धन का एक और एक ये ऋण का एक। तो ये क्या दे गए? ये भी शून्य दे गए। चलो भाई शून्य लिख देते हैं। अब देखो क्या रहा तुम्हारे पास? तो एक धन का पूर्णांक एक और दूसरा भी धन एक। तो धन एक और धन एक दोनों मिलके कितने हो गए? धन दो। क्या परिणाम प्राप्त हुआ? क्योंकि ये तो सब शून्य है, ये तो सब शून्य है, योज्य प्रतिलोम है, समान योज्य प्रतिलोम किसी के साथ होगा तो वही परिणाम देगा, अपन पढ़ चुके हैं, है ना। तो क्या परिणाम होगा? प्लस दो ही होगा। तो अब हमने एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक की नई परिस्थिति बालक के सामने रखकर याद दिलाया, पुनः स्मृति में लाने का प्रयास किया संतुलन की स्थिति को, और संतुलन की स्थिति शून्य प्रदान करती है, उसकी सहायता से हमने एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक के योग को समझने की कोशिश की। हमने कम काम किया, बालक ने ज़्यादा काम किया। कोशिश कीजिए बालक अभ्यास ज़्यादा करे, उससे संबंधित पूर्व परिस्थिति उसके जहन में आए और उसी के साथ वह परिणाम प्राप्त करे, वो परिणाम उसको स्थायी स्मृति में ले जाएगा। तो इस तरह से धन पाँच एक धन पूर्णांक, उसमें ऋण तीन एक ऋण पूर्णांक का योग करने पर धन की संख्या प्राप्त हुई। अब बालक को हम कहें कि ये एक एक के जोड़े किसके ज्यादा थे? धन वाले के ज्यादा थे, पांच थे। और एक एक के जोड़े किसके कम थे? ऋण वाले के कम थे। तो परिणाम क्या मिला? धन वाला मिला। तो जिस पूर्णांक के जोड़े ज्यादा होंगे परिणाम भी वही पूर्णांक वाला मिलेगा। धन पूर्णांक के जोड़े पांच बार थे, ऋण पूर्णांक के तीन बार थे, इसलिए परिणाम हमें धन पूर्णांक वाला मिला। यदि उल्टा हम करते, ऋण पूर्णांक वाले पांच जोड़े होते और ये धन वाले यहां तीन होते, तो खुद ही सोचो ऋण वाले दो बच जाते, और ऋण वाले दो बच जाते तो परिणाम भी ऋण में ही मिलता। इसलिए क्या कहेंगे? जिस अब बालक को जब ये समझ में आ जाएगा तब ये बार बार जोड़े नहीं बनाएगा, वो तुरंत कह देगा ये पांच ज्यादा है ये तीन कम है, एक एक संतुलन हो जाएंगे तीन के और प्लस दो उत्तर आ गया। अब आप कितनी भी बड़ी कह दोगे कि प्लस 18 है ना, धन 18 और ऋण पांच, अब देखो 18 के एक 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 18 बार लिखेगा कितना समय चला जाएगा। लेकिन घबराइए नहीं, बालक ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यहां आपने परिस्थिति स्पष्ट कर दी है। अब वो कह देगा इस 18 में से एक एक के पांच इस पांच के साथ संतुलित हो जाएंगे, बड़ी वाली जो है वही परिणाम प्राप्त होगा। तो पांच संतुलित हो गए, बचे 13, इसलिए परिणाम 13 रहेगा, धन का 13 रहेगा। उल्टी परिस्थिति बालक के सामने आ गई, अगर उल्टी परिस्थिति सामने आ गई और वहां पर वो इस परिस्थिति को लिया कि साहब ऋण का 10, धन पूर्णांक का 3। अब उल्टी परिस्थिति है, देखिए घबराइए नहीं, हमने अभी समझाया है जो बड़ा वाला जो ज्यादा है, ज्यादा बार है, परिणाम उसी में मिलेगा। ज्यादा बार कौन है? ऋण वाला, तो परिणाम भी ऋण में मिलेगा।
कितने संतुलित हो जाएंगे, यहां तीन है तो तीन ऋण पूर्णांक के साथ संतुलित हो जाएंगे। तो तीन संतुलित हो गए, बचे कितने, सात। इसलिए सात के ऋण पूर्णांक बच गए, बड़ी वाला जो पूर्णांक है वही परिणाम में हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से बालक को हम छोटी संख्याओं से जोड़े बनाकर आरंभ करके इस धन और ऋण, या धन ऋण और धन, या दोनों धन पूर्णांकों को योग करने की प्रक्रिया को अगर हम समझाने का प्रयास करें तो बालक निश्चित रूप से धीरे 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 सामान्यकरण की प्रक्रिया मस्तिष्क में अपनाते हुए बड़े पूर्णांकों का योग भी करना आरंभ कर लेगा, बिना किसी विस्तृत प्रक्रिया के मौखिक रूप से वो करने की स्थिति में आ जाएगा। अब हमने धन पूर्णांक के साथ ऋण पूर्णांक को देखा, ऋण पूर्णांक के साथ धन पूर्णांक को देखा, लेकिन अगर दोनों ऋण पूर्णांक आ गए तो क्या स्थिति होगी? दोनों अगर ऋण पूर्णांक आ गए तो कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं, वही समूह बनाइए, है ना, वही समूह बनाइए। देखिए ये ऋण दो क्या है, ऋण पूर्णांक है। ये ऋण तीन क्या है, ये भी ऋण पूर्णांक है। तो एक ऋण पूर्णांक का दूसरे ऋण पूर्णांक के साथ योग कर रहे हैं। छोटी संख्या है, स्मृति में आएगा, समूह बनाने हैं। किसके समूह बनाने हैं, एक केक के समूह बनाने हैं। तो ऋण दो है तो कितने समूह बनेंगे, दो समूह बनेंगे। ऋण एक, फिर एक बार और ऋण एक, अच्छा भाई अब यहां पर क्या है, ऋण तीन है तो कितने समूह बनेंगे, तीन समूह बनेंगे। तो ऋण एक और ऋण एक। अब बालक को कहिए क्या संतुलन की स्थिति आ रही है, भाई देखेगा, विचार करेगा, संतुलन के लिए तो विपरीत चिन्ह का चाहिए। तो ऋण एक के साथ धन एक तो मेरे पास नहीं है, किसी भी ऋण एक के साथ धन एक नहीं है। अब संतुलन नहीं है तो क्या करेंगे, जो बचा है सबको जोड़ेंगे भाई। अच्छा तो ऋण एक कितनी बार आ रहा है, पांच बार आ रहा है, तो इसका परिणाम क्या हुआ, ऋण पांच। इस तरह से दो ऋण पूर्णांकों का योग ऋण पूर्णांक ही होता है, यह बालक के जहन में स्पष्ट रूप से आ जाएगा। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, यद्यपि आप ऋण पूर्णांक लिखेंगे लेकिन वो प्राकृत की जो परिस्थिति उसके जहन में है उसका इस्तेमाल करके, ऋण चिन्ह है तो ऋण लगा देगा और धन चिन्ह है तो धन लगा देगा। जैसे आपने अगर कहा कि बच्चों माइनस है ना, ऋण बारह को ऋण तेरह के साथ जोड़ो, अब बड़ी संख्या है, अब बारह बार लिखे, तेरह बार लिखे, बहुत समय लगेगा, घबराइए नहीं, बच्चा इतनी बार नहीं लिखेगा, क्योंकि 12 और 13 को उसने गणन संख्याओं में योग करना सीख लिया है, इसलिए वो कहेगा दोनों समान चिन्ह हैं। 12 और 13 की अभ्यास वो पहले कर चुका है, इसलिए वो 17 या 25 करके दोनों के समान चिन्ह देखते ही समान का चिन्ह लगा देगा। ये अभ्यास धीरे 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 एक सामान्यकरण के रूप में, नियम के रूप में उसके मस्तिष्क में स्थापित हो जाएगा। इस तरह से वह दो ऋण पूर्णांकों का योग भी अच्छी तरह से मौखिक रूप में करने की स्थिति में बालक आ जाएगा। अब जो व्यवकलन की स्थिति आती है, व्यवकलन में जानते हैं आप, हटाना, कम करना, घटाना, इसको हम व्यवकलन कहते हैं। अभी हमने योग समझा, व्यवकलन का मतलब क्या हुआ, विरोधी संख्या को जोड़ना। जैसे प्राकृत में हमने कहा कि दो में माइनस दो करो तो माइनस दो विरोधी है, ऋण दो उसका विरोधी है, तो विरोधी संख्या को जोड़ो, यही व्यवकलन है। तो जैसे प्राकृत के लिए भी हमने व्यवकलन को समझा
पूर्ण के लिए भी व्यवकलन को समझा, वैसे ही हम पूर्णांकों के लिए भी व्यवकलन को समझते हैं। देखिए, धन पांच एक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धन पूर्णांक। धन पांच में धन आठ को हमें व्यवकलन करना है, व्यवकलन करना है अर्थात घटाना है, घटाना है मतलब माइनस करना है। अब देखिए, दो परिस्थितियां बालक के सामने यहां पर आती हैं। कैसे आती हैं? व्यवकलन विरोधी प्रकृति, विरोधी संख्या है या व्युत्क्रम को जोड़ना है। एक तो स्थापित नियम, लेकिन स्थापित नियम पे जाने से पहले यहां समझने की कोशिश करते हैं कि धन पांच, अब इस धन आठ को भी तो धन पांच के टुकड़ों में बांट सकते हैं ना भाई। तो ये धन पांच और ये धन तीन, क्योंकि वितरण का गुण बालक पढ़ चुका है, इसलिए यहां अगर हम वितरण करते हैं तो उसको कोई कठिनाई नहीं होगी अपने जहन में ले जाने की। अब बालक ये भी अंदर से भीतर से सोचने लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, संतुलन करने के लिए किया, संतुलन करने के लिए किया। धन का पांच और ऋण का, ये धन का पांच ऋण के लिए है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए संतुलन की स्थिति ला रहे हैं। इसलिए क्या प्रदान करेंगे? शून्य प्रदान करेंगे। और क्या बचा मेरे पास? ऋण का ये धन तीन जो है, ऋण के साथ बचा, इसलिए कितने कितने हो गए? ये ऋण के तीन बार हुए, ऋण के तीन बार हुए, क्योंकि ऋण उसके साथ है और धन तीन बार है, तो ऋण का एक, ऋण का एक, ऋण का एक, इसलिए यह ऋण तीन बार परिणाम के रूप में प्राप्त होगा। इस तरह से समूहन करके भी हम बालक के सामने परिस्थिति रख सकते हैं। लेकिन आप साथ में देखें तो एक परिस्थिति बालक के सामने और भी आप ला सकते हैं कि व्यवकलन और कुछ नहीं, केवल विरोधी संख्या है और उस विरोधी संख्या को व्युत्क्रम में जोड़ना है, विरोधी संख्या को व्युत्क्रम में जोड़ना है। समझिए इसको, ये पांच, अब चूंकि व्यवकलन करना है तो व्यवकलन करने के लिए क्या करना है? विरोधी संख्या को जोड़ना है। तो आठ की विरोधी संख्या क्या हुई? आठ की विरोधी संख्या माइनस आठ हुई। क्या करना है? जोड़ना है धन पांच धन माइनस का आठ। अब वही संतुलन की स्थिति, प्लस का पांच और माइनस के पांच, संतुलन की स्थिति देंगे। देखिए क्या रहेगा, ये संतुलन की स्थिति आ गई। क्या प्रदान कर रहा है? शून्य प्रदान कर रहा है। संतुलन हमेशा शून्य प्रदान करता है। परिणाम क्या रहा? ऋण का तीन परिणाम रहा। और ऋण का तीन परिणाम देखिए आप, दोनों परिस्थितियों में ये हमें ऋण का परिणाम दे रहा है। इसलिए व्यवकलन को भी हम प्राकृत की तरह ही यहां पर स्पष्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, हमने आज ये समझने का प्रयास किया कि पूर्णांकों की जो परिस्थिति है, यद्यपि प्राकृत और पूर्ण जैसी है, लेकिन प्राकृत और पूर्ण की परिस्थिति को काम में लेते हुए हमें कैसे धन और ऋण को जब एक साथ आ जाते हैं तो कैसे योग करते हैं, कैसे व्यवकलन करते हैं, उसको हम एक सामान्य प्रक्रिया, छोटी प्रक्रिया से आरंभ करके अगर हम बड़े अंकों तक जाएं तो बालक सहज रूप से इन बड़े अंकों की जोड़, धन पूर्णांकों और ऋण पूर्णांकों की जोड़, योग और व्यवकलन को सहज रूप से, मौखिक रूप से करने की स्थिति में आ जाएगा। ये अगर अभ्यास अगर हम बालक के साथ कराते हैं तो पूर्णांकों की जटिलता को भी सहज रूप में वो स्वीकार करते हुए उसके योग और व्यवकलन की प्रक्रिया को सहज रूप से समझ सकेगा। ये आशा के साथ धन्यवाद।